ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैजनाथ के विश्राम गृह में चुनाव प्रभारी संजय चौधरी की अध्यक्षता व विधायक मूलखिलास प्रेमी की मौजूदगी में चर्चा कर भाजपा मंडल के नव अध्यक्ष का चयन किया गया। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए 10 लोगों ने अपनी दावेदारी भी ठोकी थी तथा चुनाव की नौबत आ गई, लेकिन विधायक मूलखिलास प्रेमी व चुनाव प्रभारी संजय चौधरी के हस्तक्षेप करने के बाद बिक्रम कपूर पर सहमति बन गयी। बैजनाथ के विश्राम गृह में चुनाव प्रभारी संजय चौधरी की अध्यक्षता व विधायक मुल्कराज प्रेमी की मौजूदगी में चर्चा कर भाजपा मंडल के नव अध्यक्ष का चयन किया गया। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए 10 लोगों ने अपनी दावेदारी ठोकी थी तथा चुनाव की नौबत आ गई थी, लेकिन विधायक मुल्कराज प्रेमी व चुनाव प्रभारी संजय चौधरी के हस्तक्षेप करने के बाद बिक्रम कपूर पर सहमति बन गई। चुनाव मंडल अध्यक्ष की दावेदारी करने वाले व्यक्तियों में चुन्नीलाल भंगालिया, बीरेंद्र राणा, विजय राणा, कैप्टन गुरबचन चौहान, समुद्री राम, करतार चौधरी, गोकुल ठाकुर तथा डॉक्टर अनिल मिन्हा से चर्चा कर सर्वसम्मति से बिक्रम राम कपूर भाजपा मंडल बैजनाथ का नया मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज जो हमारे मंडल बैजनाथ के मंडल अध्यक्ष के चुनाव हुए, पार्टी ने जो प्रदेश संगठन के श्रीमान संजय चौधरी जी को भेजा था, उन्होंने पूरी प्रक्रिया को निभा के वह मेरे जो सहयोगी हैं छोटे भाई बैजनाथ के करतार धत्ता विधायक मुल्कराज प्रेमी जी, जो कि सरकार में एससी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उनकी अगुवाई से मैं वह हमारे जो धार चढ़िहार से वह छोटा बंगाल बड़ा बंगाल के लोग आए थे, उनके सहयोग से मुझे अध्यक्ष बनाया गया। मैं अपनी जिम्मेदारी को बेखूबी निभाऊंगा व विधायक महोदय से, जो कि वर्तमान में विधायक मुल्कराम प्रेमी जी हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलूंगा। जो भी वो कहेंगे उस पर खड़े उतरने की कोशिश करूंगा। आज जो बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के मंडल का जो चुनाव हुआ, उसमें जो प्रभारी के तौर पर संजय चौधरी जी हमारे बीच में यहाँ लगे थे, और आज ये प्रक्रिया पूरी हुई और सर्वसम्मति से जो 10 लोगों ने जो इसके ऊपर नामांकन दाखिल जो पहले किया था, और उस कड़ी में उन्होंने अपने अपने नाम जो है वो वापस लिए, और सिर्फ एक सहमति बनाकर उन्होंने बिक्रम कपूर जी के नाम पर सहमति जताई। इसके लिए मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, चुनावी प्रक्रिया में जो उन्होंने शांति से भाग लिया, और ये पहली बार एक बैजनाथ में भी एक ऐसा उदाहरण है कि सर्वसम्मति से चुनाव हुआ, और इसमें सभी लोकतंत्र प्रक्रिया है, इसमें जी को मंडल अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, जिसके लिए मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी का भी, माननीय संगठन मंत्री महामंत्री पवन जी का भी, जयराम माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी का भी धन्यवाद करता हूं, और शीर्ष सभी नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि ऐसे व्यक्ति का आज मंडल में जो हमारे यहां चुनाव हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब हम कंधे